सो हेलो एंड व्हाट इज़ अप गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और ऑसम सा वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले पबजी के अनबैन से रिलेटेड जो अपडेट आया उसके बारे में। तो अभी एक लिंक्डइन पे पबजी कॉरपोरेशन ने अपने लिंक्डइन पे मतलब एक पोस्ट किया जिसमें वो मतलब इंडिया में अपने एक जॉब ऑफर कर रहे हैं कुछ। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि मतलब कब तक अपना गेम जो है अनबैन हो सकता है और क्या कुछ अपडेट है इस बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं और जैसा कि आपको पता है कि PUBG मोबाइल ने 2-3 दिन पहले अपने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला जिसमें वो मतलब जॉब्स ऑफर कर रहा था मतलब PUBG मोबाइल के लिए। तो जैसे कि आपको पता है मतलब ग्लोबल वर्जन अभी इंडिया में बैन हो चुका है और PUBG ये समझ गया है कि इसको मतलब अनबैन कराने में बहुत टाइम लग जाएगा अभी और मतलब शायद हो भी ना ये मतलब अनबैन अपना गेम अभी दोबारा। तो इसीलिए वो अपना PUBG है ना अलग से एक वर्जन लॉन्च करने की सोच रहा है इंडिया के लिए। तो यही मेरे हिसाब से एक लास्ट वे अभी जितनी जल्दी उसके PUBG मोबाइल को लाने में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद से इस साल के मतलब एंड तक तो कोई चांस नहीं है PUBG के अनबैन होने का। अपने को मतलब ऐसे ही खेलना पड़ेगा जब तक मतलब बैन है ये, और बाद में देखते हैं। अभी अगले साल तक मुझे लग रहा है जहाँ तक अगले साल तक अपना जो PUBG है उसका अपना इंडियन वर्जन लॉन्च। तो अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अपना ग्लोबल वर्जन जो है अब शायद से इंडिया में वापस नहीं आने वाला। अभी अपना इंडिया के लिए अलग से ही वर्जन लॉन्च किया जाएगा PUBG मोबाइल के मतलब तरफ से। और यही मेरे को लग रहा है कि लास्ट होप है अपने PUBG मोबाइल को वापस लाने की, क्योंकि लग तो रहा नहीं कि ग्लोबल वर्जन बैक आने वाला है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है 2 महीने होने वाले हैं लगभग PUBG मोबाइल को बैन हुए। अपना 2 तारीख को बैन हुआ था शायद से, और अभी शायद से जब तक अपना मतलब नया वर्जन नहीं आता तब तक तो हमारे ग्लोबल के सर्वर्स ओपन रहेंगे। लेकिन जैसे ही मतलब अपना इंडियन वर्जन लॉन्च होएगा तो हम यहाँ से अपने ग्लोबल वर्जन के सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में। लेकिन अभी फ़िलहाल बात करते हैं हमारे डेटा का क्या होगा जो हमारा डेटा होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी मतलब ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया कि अपना अगर इंडियन वर्जन आता है तो डेटा का क्या होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है डेटा की तो अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा अपना सेफ ही है, डेटा सर्वर्स पे ही स्टोर रहता है तो हो सकता है वो अपना वापस आ जाए डेटा। लेकिन अगर नहीं आता तो भाई साहब अपने को शुरू से शुरू करना पड़ेगा बिल्कुल सब कुछ। तो वो सब बाद में देखेंगे भाई, पहले अपना अनबैन तो हो जाएगी हम वही सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था भाई लोग, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अरे इनका तो काम ही है हंसना, अब मम्मी इनकी बनाएगी देखे रसना। छोड़ जाने दे हमें नहीं है बसना, दारू ज्यादा थोड़ा तू ले आयो ना चखना। देख अब कैसे बना रहा हूँ गाने, बकचोदी फेल रही हूँ गाने के बहाने। घर पे खाली बैठा हूँ अब मैं भी करूँ क्या बे, तो कुछ और करना, क्रिंज मत फैला बे। सॉरी यार सॉरी, देख ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है। ये रैपिंग वैपिंग लसन मेरे लिए नहीं है, पर चल रहा तो चलने देना, एक सुखी सही है। हेलो दोस्तों लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।